नमस्कार दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हुए गांव आए हुए हैं और वहां पे एक राजदेवी मंदिर है, वहां पे आए हुए दर्शन करने के लिए। तो आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर को, मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहें। ये देखिए, इधर से हम प्रवेश करते हैं और इधर आपको दिखाते हैं, ये मंदिर है, वहाँ पे पूजा हो रहा है। तो ये है मंदिर का मेन गेट, यहीं से प्रवेश करते हैं और अंदर दर्शन करने के लिए। ये लोग बहुत कुछ बैठे हुए हैं, अंदर पूजा हो रही है और ये लोग बाहर ही बैठे हुए हैं। ये फूल है मंदिर के गेट पे, फूल का पेड़ है। और ये है रीगा मिल, है चीनी मिल जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी। और ये अंदर तरफ आए तो ये एक मंदिर है, उसमें हम गए थे पूजा करने के लिए और ये पूजा कर लिए हैं और निकल रहे हैं इधर से बाहर गेट की तरफ। हम बाहर एक पूजा हो रहा था यहाँ पे, तो वहीं पे बैठे हुए हैं वो पूजा का मंडली लोग जो है वहीं पे बैठे हुए हैं। और यहाँ से निकल दिए अब गेट के बाहर और फिर चलते हैं, एक मंदिर है उधर, एक शनि देव महाराज की मंदिर है, फिर उधर जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये है कोने में शनि देव महाराज की मंदिर है और ये हम दर्शन करते हैं वहाँ पे। और फिर वहाँ से इधर मात ये शनि देव महाराज की मंदिर है कोने पे है, और फिर यहाँ से हम लोग इधर आते हैं। तो ये है, ये भैरव बाबा का स्थान है जहाँ पे दर्शन करते हैं। ये माता का स्थान है, माता सातों बहन जिसको बोलते हैं वो है, माता जी है, फिर इधर भैरव बाबा है। और इधर आते हैं तो एक और ये है माता का स्थान, फिर इधर से दर्शन करते हैं, फिर ये माता का स्थान है, फिर यहाँ से दर्शन करके और फिर हम लोग फिर बाहर आ रहे हैं। तो ये है बाहर, इस तरफ पूरा प्रांगण है मंदिर का और पीछे एक छोटी सी नदी निकलती है, ये जस्ट इसके पीछे ही है। चलिए दिखाते हैं आपको, ये आइए, ये पीछे की साइड में एक नदी है जहाँ लोग, ये दो चार लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे नदी के किनारे। और ये है इधर से पानी आता है और ये है मंदिर का प्रांगण। यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और ये कुछ लोग जो यहाँ पूजा हो रहा है वहाँ पे घूम रहे हैं। और ये एक बड़ा पेड़ है, फिर ये है मंदिर और ये है, ये माता जी जहाँ पे हम दर्शन किए हैं वो है, और ये है जहाँ पे ये पूजा हो रही है। ये देखिए मंडप सजाया हुआ है, पूजा हो रहे हैं, मंडली लोग कीर्तन कर रहे हैं, ये बैठ के कीर्तन कर रहे हैं मंडली लोग। और ये है मंडप बना हुआ है, कितना सुंदर मंडप बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और चलिए आगे दिखाते हैं, हम लोग बाजार की तरफ निकले हैं। समोसा, लिट्टी, बर्गर, चाउमीन, ये सारी दुकानें हैं, ये समोसा के दुकानें हैं
और ये बर्गर चाउमीन है यहाँ पे मिलता है। ये छोले भटूरे की दुकान है, ढेर सारी दुकानें हैं आसपास। लीजिए, ये खा रहे हैं समोसा, पहले बर्गर फिर झालमुड़ी फिर समोसा। देखिए मछली है ना। चल रहा है, इसमें मछली चल रहा है। ये रहा दुकान वाला, ये दुकान वाला छोटका, ये दुकान जिसको जिसको कपड़ा लेना है आकर रीगा मिल बाजार ले सकते हैं। शिव पार्वती गारमेंट्स का है, ये मंदिर के बिल्कुल सामने है। ये रहे मंदिर, रीगा के मंदिर है जस्ट उसके सामने है। देखिए दुकान है तारकेश्वर नाथ मंदिर है, इसके जस्ट सामने ये रहा दुकान। आप लोग आकर यहाँ पे सभी कपड़े ले सकते हैं, रेडीमेड साड़ी जीन्स शर्ट जो भी कपड़े ले रहा है सब मिल जाता है। ये रहा दुकान, चलिए दोस्तों। तो ये दुकान से आने के बाद हम लोग मार्केट में गए, और मार्केट में ये बहुत बड़ा अंदर मार्केट है, सब्जी मार्केट है, और बाहर पूरा दुकानें हैं। ये इधर से रास्ता है जाने के लिए, ये सब्जी मार्केट है, बहुत बड़ी सब्जी मार्केट है, रीगा मिल बाज़ार बोलते हैं इसको। और इधर से सब्जियां हैं, बहुत सारा सब्जियां हैं। इधर से घूमने गए, फिर ये इधर है, इधर सब्जियां, ये है आपको कुछ फॉर्च्यून वगैरह की दुकानें हैं। और यहाँ पे ये है मुढ़ी कचरी बोलते हैं बिहार में इसको, ये मिलता है यहाँ पे। और फिर इधर से ये मार्केट में घूमने के लिए गए हैं, और ये है पूरा पंसारी की दुकानें हैं ये इधर से। चलिए दोस्तों, तो अंदर से मार्केट घूम के आ गए हम लोग, और चलेंगे घर की तरफ। ये मंदिर है, मंदिर में हम लोग दर्शन किए, आरती हो रही थी। तो मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।